तो उठ करवावे लगलन तो देखत तो छिपकीली के बुझाओ की तो आखिर क्या था है? क्या था? अच्छा जो यहाँ पे मेनू है चाची, उस मेनू के हिसाब से भोजन मिलता है ना? डेली उस हिसाब से आता है ना? ना एकदम ये बात सही है ना? नहीं आता है ना? ना फल टाइबे ना करला सूप के लेकिन ए शिफ्ट के लेकिन के फले ना मिलेला। हमारी रसोईया फूल कुमारी देवी खाना बच्चों को देना आरंभ की। दो तीन बच्चों को खाना दिया गया था, छिपकीली रहल तब का हो कि मर जाती है दांत चेयर के। तो जो मैंने एनजीओ वाला खाना देता है, वो एनजीओ वाला से क्या कह चाहते हैं? अगर छिपकीली मिल जाती भोजन में तो इन बच्चों का भविष्य कहा जाता, ये अपना भविष्य संवारने विद्यालय में पढ़ने आते हैं। अभी हम बिहार के बक्सर जिला में हैं और बक्सर जिला में से हम आज आप लोगों को इस विद्यालय में, जो कि विद्यालय का नाम है आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय गजाधरगंज बक्सर, आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों को एक किस्सा सुनाने वाले हैं। आप लोग सुने होंगे कि बरसाती मेढक होता है, पानी में मेढक कूदता है, लेकिन आज यहाँ पे इस विद्यालय के मध्यान्ह भोजन के बच्चों के थाली में मेढक, मरा हुआ मेढक आज फुदक रहा था और यही कहानी हम सुनाने वाले हैं। और बच्चों का मनाइए तो भगवान की वजह से समझिए या जो समझिए कि जिंदगी बच गया, यही सबसे बड़ा बात है। और आइए अभी हम चलते हैं विद्यालय में और यहाँ से आप लोगों को पूरी घटना दिखाने का प्रयास करते हैं। और इस विद्यालय में भोजन बनता नहीं है, एनजीओ द्वारा भोजन आता है और फिर विद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं या जो भी भोजन परोसने वाली यहाँ पे है वो लोग भोजन परोसती हैं और बच्चों को खिलाती हैं। और एनजीओ द्वारा इतना लापरवाह वही किया जाता है कि नियम है कि भोजन 65 डिग्री सेल्सियस तापमान में भोजन आना चाहिए, जो कि नहीं आता है। सील पैक ढका हुआ भोजन आना चाहिए, ये भी नहीं एनजीओ द्वारा किया जाता है, ऐसा भोजन नहीं आता है। बाकी उस दिन क्या घटना हुआ था, बच्चों के भोजन में थाली में कैसे मरा हुआ मेंढक आया था, बाकी हम इन लोगों से बात करेंगे और पूछने का प्रयास करेंगे। अच्छा क्या नाम पड़ेगा चाची? फूल कुमारी देवी। अच्छा उस दिन क्या हुआ था इस विद्यालय में, कैसे मरा हुआ मेंढक आ गया? खाना मेरा खाना वो एनजीओ से आई रहे। हाँ। खाना तसला मुझी लानी। हाँ। तो ना लोग तो घरी लंच भइल, ओकरा लंच से पहले ही हम पहले खाना खइली, ओकर बाद सर के खाना देनी, सर खाना खा के चल गए पढ़ावे। हम उठनी तो 10 मिनट के बाद बच्चन के छुट्टी भइल खाना खाए के, तो खाना खियावे लगनी न तो 5-6 गो बच्चन के खाना दे देनी। आ दूसरा सीटिंग के लड़का एगो आयल न तो ओकरा के दिए तो कहल से लड़का के थोड़ा चनवा तनि दीजिए जानी, तो देवे चलनी न तो बस वही चनवे में लग गई। तो हम जानी कि बैगन का डांटी है, तब कहते रुक जा रुक जा बाबू, तो रुक गई न तो बस खाना उठा के चुरा देनी। कहन के बाबू तो कहते हम आंटी जी का बा का बा, हमने के कुछ ना हो, बस उठा के मैं छिपर डाल देनी धोवन में, डाल के सर के बुला लेनी। तो उठकारे लगनी जानो तो देखनी जा, तो हम जानी कि छिपकीली की वो सोच एकदम अजबे हो गए रहे छिटा के, तो हम उबला गए रहे एकदम। तो हम कहनी नो आ कि सर है का चीज हो, तो उठ करवावे लगलन तो देखत तो छिपकीली के बुझाओ की तो आखिर क्या था, क्या था? मेंढक। मेंढक था? मेंढक रहा है। अगर मान लीजिए उसी जगह पे छिपकीली होती तो मर जाती, तब तो जितना भी भोजन खाया होता, आप खाई होती या बच्चा जो खाया रहता, सब मर जाता ना? हम मर जीते, बच्चो मर जीता सन, रहो सब वो दिन रहनी जाना। हाँ जी हम खा जाए, दोनों आदमी साथ ही खा जाए। अगर वो जगह पे मेढक के जगह पे मान ली कि छिपकीली रहल तब का हो कि मर जाती है दांत चेयर के। तो जो एनजीओ वाला खाना देता है, वो एनजीओ वाला से क्या कह चाहते? अच्छा ढंग से देस खाना। हाँ। बढ़िया से बच्चन के खिलाओ सु। हाँ। हमने की है चाहता नहीं जा और कुछ ना। आप लोग देख सकते हैं इन लोगों को कि ये बता रही है जो चाची है कि पूरा उस दिन का घटना बता रही है कि कैसे थाली में मेढक आया, क्यों आया, और ये भी साथ में बोल रहे हैं कि अगर मेढक के जगह पे छिपकिली होता तब क्या होता हम लोगों के साथ, और जो भी बच्चे भोजन खाने वाले थे और जो दो चार बच्चे भोजन खाए थे उन लोगों के साथ क्या होता, आप लोग खुद समझ सकते हैं। बाकी अब इस पे हम चर्चा करेंगे, जो कि मेनू तालिका आप देख सकते हैं कि सोमवार को चावल मिश्रित दाल हरी सब्जी, जो भी है, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, जो भी यहाँ पे भोजन का लिस्ट है कि जैसे भोजन आएगा मेनू के हिसाब से वैसे भोजन नहीं मिलता है, ये हम अपने मन से नहीं करेंगे, कहेंगे एक बार इन लोगों से पे पूछ लेंगे। अच्छा जो यहाँ पे मेनू है चाची, उस मेनू के हिसाब से भोजन मिलता है ना? डेली उस हिसाब से आता है ना? एकदम ये बात सही है ना? नहीं आता है ना? फल टाइबे ना करला सूप के लेकिन
ए शिफ्ट के लइकन के फले ना मिलेला। झूठ झूठ नहीं जाना बोलत ना, काहे झूठ बोला जा, बच्चा हमन के ना आवस कि झूठ बोला जा। आप लोग खुद समझ सकते हैं यहाँ पे बनावटी बात कुछ नहीं है। आप लोगों को मेनू तालिका हम दिखा दिए और ये लोग जो भोजन परोसने वाले हैं इन लोगों से भी पूछवा दिए कि मेनू के हिसाब से भोजन यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। ये आप लोगों को इन लोगों से बात करने के बाद, इनका बात सुनने के बाद मालूम चल गया होगा कि मेनू के हिसाब से यहाँ पे भोजन नहीं आता है। और बाकी जो ये एनजीओ भोजन पहुंचाता है उसका नियम है कि एक क्लास से लेके चार क्लास तक जो बच्चे हैं उनको 400 कैलोरीन जो तापमान क्षमता होता है उस हिसाब से भोजन देना है और 5 से लेकर 8 क्लास तकों का 700 कैलोरीन दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें अभी बहुत सारे और भी नियम हैं और बाकी देख सकते हैं आप इन बच्चों को कि इनका भविष्य उज्जवल नहीं कैसे बर्बाद किया जाता है एनजीओ के भोजन से। अगर मान लीजिए कि उस दिन मेढंग के अलावा अगर छिपकली मिल जाती भोजन में तो इन बच्चों का भविष्य कहाँ जाता है। ये अपना भविष्य सवारने विद्यालय में पढ़ने आते हैं और ये खुदा ना खास्ता, भगवान ऐसा ना करे, अगर कुछ हो जाता तब क्या किया जाता। बाकी इस पे और हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सब खुद सबको मालूम है और यहाँ पे जो भी रसोईया है इन लोगों से भी हम बात किए और बात पूछवाए कि आखिर उस दिन घटना कैसे हुआ है। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसमें एक लोगों को दोषी नहीं बोलेंगे, ये पूरा सिस्टम दोषी है और सिस्टम को सुधरना है इस पे। अगर हमारा सिस्टम सुधर जाएगा तो पूरा जो नीति है भोजन के मामले में हो, विद्यालय के मामले में हो, या स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, किसी भी मामले में हो, सब सुधर जाएगा। सिस्टम को सुधरना चाहिए। यहां से जय हिंद, जय भारत। अभी हम लोग इस विद्यालय के एचएम सर के पास आ चुके हैं और इनसे बातचीत करेंगे हम। आखिर सर मामला क्या था, मेंढक पाया गया है इस विद्यालय के खाना में जो एनजीओ द्वारा आया जाता है आता है, आखिर मामला क्या है इसका सर? जी, शुक्रवार के दिन मेनू के हिसाब से पुलाव और छोला और फल या अंडा, मौसमी फल या अंडा बच्चों को देना था। तो प्रतिदिन की भांति उस दिन भी मैं शुक्रवार के दिन 2:50 पे, लमसम 2:50 हमारा टाइमिंग है, लेकिन हम 2:45-46 पे पहले दूसरे के बच्चों को लंच के लिए यहाँ पे छोड़ा। हमारे सहयोगी स्टाफ उमेश प्रसाद ठाकुर भी मेरे साथ थे। हमारी रसोईया फूल कुमारी देवी खाना बच्चों को देना आरंभ की। 2-3 बच्चों को खाना दिया गया था, मैं उधर खड़ा था कल के पास, बच्चों को लाइन लगा रहा था, उमेश प्रसाद ठाकुर यहाँ खड़े थे। मेरी रसोईया फूल कुमारी जी के द्वारा हमको त्वरित सूचना दी गई कि सर छोला में कुछ है। हम कहे कि ठीक है, इस प्रकार से लगा कि नहीं छोला में कुछ है। तो मैं समीप गया तो इन्होंने कहा, इनके द्वारा पहले ही कहा गया कि ये लग रहा है कि बैगन का डंठल, डंठल। मैं भी समीप गया तो इन्होंने ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे छू करके देखा तो बैगन का डंठल नहीं था। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, ये बैगन का डंठल नहीं है, ये कुछ है सर।